नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक बार भगवान विष्णु बैकुंठ में विश्राम कर रहे थे, साथ ही में बैठी माता लक्ष्मी विष्णु जी के पैर दबा रही थी। तभी भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को देखकर जोर जोर से हंसने लगे। इस प्रकार विष्णु जी के हंसने पर लक्ष्मी जी को लगा कि विष्णु जी ने उनकी सुंदरता का उपहास किया है। इस पर माता लक्ष्मी को क्रोध आ गया और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपको आपके जिस चेहरे पर इतना अभिमान है वह आपके शरीर से अलग हो जाएगा। इसके कुछ समय बाद एक युद्ध के दौरान भगवान विष्णु बहुत थक गए थे और अपने धनुष पर अपना सिर टिकाकर सो गए। थकान के कारण उनको काफी गहरी नींद आ गई। इस बीच देवताओं ने एक यज्ञ का आयोजन किया और कोई भी यज्ञ ब्रह्मा विष्णु और महेश के आहुति स्वीकारने के बिना पूरा नहीं होता है। इसी कारण सभी देवता भगवान विष्णु को जगाने के लिए परेशान हो उठे। जब काफी प्रयास करने के बावजूद भगवान विष्णु की नींद नहीं टूटी तो देवताओं ने धनुष की प्रत्यंचा काट दी और इसी कारण भगवान विष्णु का सिर धड़ से अलग हो गया। अचानक हुए इस घटना से सभी देवताओं और संपूर्ण सृष्टि में हाहाकार मच गया। इसके बाद सभी देवताओं ने मिलकर आदिशक्ति से विष्णु भगवान को पुनर्जीवित करने की प्रार्थना की। इस पर आदिशक्ति ने भगवान विष्णु के सिर पर घोड़े का सिर लगाने का आदेश दिया और देवताओं ने विश्वकर्मा जी के साथ मिलकर विष्णु जी के धड़ पर घोड़े का सिर लगाया और भगवान विष्णु पुनर्जीवित हो गए। इस प्रकार माता लक्ष्मी का श्राप पूरा हुआ और इसी रूप में भगवान विष्णु ने हयग्रीव नाम राक्षस का वध किया। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारी वीडियो लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियो से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।